स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 19.30 पे हैं और कह रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 से देखते हैं। हमें इंटीग्रल निकालना है एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू में एक्स माइनस वन का, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे ले लेंगे लेट एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन इक्वल टू में क्या जाएगा। तो देखो ये क्वाड्रेटिक है तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का सी बाई में एक्स माइनस वन। अब इधर एलसीएम लेंगे, इधर इसको लिख देते हैं एक्स एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू में एक्स माइनस वन इक्वल टू, इधर एलसीएम हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का वन और इंटू में एक्स माइनस का वन। इसमें सिर्फ ए टर्म कट जाएगा, एक्स माइनस वन जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ए एक्स प्लस का बी इंटू में एक्स माइनस का वन प्लस, इसमें से टर्म कट जाएगा, ये जाके मल्टीप्लाई करेगा सी के साथ तो सी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का। चलिए अब आगे इसे देखते हैं, तो ये टर्म कट जाएगा ठीक है। अब इसके बाद देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे कर जाएंगे एक्स इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का बी एक्स माइनस का बी ठीक है, माइनस सॉरी प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब देखिए एक्स इक्वल टू में यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाले के एक्स स्क्वायर वाले के साथ कर लेते हैं ए प्लस सी इंटू में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको ले लेते हैं एक्स कॉमन करते हैं तो माइनस का ए और प्लस का बी एक्स और फिर माइनस का बी प्लस का सी। अब इसके बाद इक्वेट कर देंगे, यहाँ पे लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट ठीक है ना जी। क्या आ जाएगा यहाँ पर ए प्लस सी इक्वल टू में इधर देखिए एक्स का कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए जीरो, माइनस ए प्लस बी एक्स का कोफिशिएंट इधर वन है, माइनस बी प्लस सी इक्वल टू में जीरो। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है, अगर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को ऐड कर दें फर्स्ट को और सेकंड को ऐड करेंगे इसको इसको तो यहाँ से आ जाएगा ए से कट जाएगा बी प्लस सी इक्वल टू में वन और यहाँ है माइनस बी प्लस सी इक्वल टू में जीरो। इन दोनों को सॉल्व कर देंगे टू सी इक्वल टू में वन यानी कि सी इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर वन बाई टू, सी का वैल्यू वन बाई टू आ गया तो इसमें रख देंगे तो ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर माइनस का वन बाई टू। अच्छा ए और सी आ गया तो अगर मान लीजिए अब हमें बी निकालना है तो देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें बी निकालना है ना जी, तो अगर हम लोग यहाँ पर रख दें वैल्यू यहीं पर रख देते हैं मान लीजिए सी का वैल्यू प्लस का वन बाई टू, उधर जाके जाए माइनस का वन बाई टू, माइनस कर जाएगा तो बी का भी वैल्यू वन बाई टू ही आ जाएगा ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए हमें इंटीग्रल निकालना था एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का वन और इंटू में एक्स माइनस वन डी एक्स। तो हमने इसको लिखा था ऊपर किस तरह से जी लिखा था जी, जो देख लीजिए फर्स्ट स्टेप पर है ना, इसी को ना इंटीग्रेट करना होगा। इंटीग्रेट कर देते हैं ए एक्स प्लस का बी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स प्लस का इंटीग्रल ऑफ सी बाई में एक्स माइनस वन डी। चलिए ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी अलग अलग कर ले क्या, यहाँ पे भी अलग अलग कर लेते हैं और तब वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू माइनस वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स, बी का वैल्यू वन बाई टू है वन बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स, सी का वैल्यू वन बाई टू है इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स माइनस का वन डी एक्स। चलिए अब देखिए इस नीचे वाले का डेरिवेटिव जो होगा टू एक्स होगा तो इसलिए उससे टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होगा, यहाँ पे फोर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का वन डी एक्स प्लस का वन बाई टू, ये तो फॉर्मूला है इसका टेन इनवर्स का ठीक है ना जी, और ये लॉग में आ जाएगा वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, तो इसका हो जाएगा माइनस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस का वन प्लस वन बाई टू, ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा है ना, और प्लस का वन बाई टू ये लॉग एक्स हो जाएगा यानी कि लॉग एक्स माइनस वन है जो भी प्लस सी। तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे ही आंसर या फिर इसको आप ऐसे भी लिख दो वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन फिर ये माइनस वन बाई फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन ठीक है और प्लस का वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो जाएगा ऐसे ठीक है, ये भी ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है, हमें इंटीग्रल निकालना है वन बाई एक्स माइनस का वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू विथ रेस्पेक्ट टू। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं लेट
वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए बाई में एक्स माइनस का वन प्लस बी बाई में एक्स प्लस का वन और प्लस का सी बाई में एक्स प्लस टू। इधर देखिए, वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स प्लस टू, इसमें से डिवाइड करके टर्म कट जाएगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ए इंटू में आ जाएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, प्लस इसमें डिवाइड ए टर्म कटेगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करता जाएगा बी इंटू में एक्स माइनस का वन इंटू में एक्स प्लस टू, प्लस इसमें डिवाइड टर्म कटेगा, ये जाकर मल्टीप्लाई करेंगे तो सी इंटू में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस का वन। ये देखो ये दोनों टर्म कट जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इसमें एक्स ए बी सी का वैल्यू निकालने की बात करें तो पुट कर देते हैं हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड बना लेते हैं। अगर मान लीजिए एक्स की जगह वन पुट कर देते हैं तो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये वाला जीरो हो जाएगा। वन पुट करने से वन वन टू वन टू थ्री, थ्री टू या सिक्स ए, क्या जाएगा सिक्स ए इक्वल टू में वन, यानी ए का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर वन बाई सिक्स। पुट करते हैं और हम लोग एक्स की जगह पे माइनस का वन, तो ये वाला जीरो ये वाला जीरो, यहाँ माइनस वन रखने से यहाँ माइनस का टू आ जाएगा और यहाँ माइनस वन रखने पर प्लस का वन, तो माइनस टू बी इक्वल टू में वन, यानी बी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस वन बाई टू। अच्छा पुट करते हैं एक्स इक्वल टू में माइनस का टू, माइनस टू रखने से ये जीरो ये जीरो, माइनस टू रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का थ्री और माइनस टू रखने पे माइनस का वन, ठीक है, तो आ जाएगा यहाँ पर थ्री सी इक्वल टू में वन, यानी कि सी इक्वल टू में आ जाएगा वन बाई थ्री, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं, चलिए ए बी सी निकल गया, इसको अब इंटीग्रेट करेंगे, है ना, लिखते हैं वन बाई एक्स माइनस का वन इंटू में एक्स प्लस का वन इंटू में एक्स प्लस का टू इंटीग्रल इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ ए बाई में एक्स माइनस का वन डी एक्स प्लस का इंटीग्रल ऑफ बी बाई में एक्स प्लस का वन डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ सी बाई में एक्स प्लस का टू डी एक्स। ए बी सी का वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, ए का वैल्यू है वन बाई सिक्स, वन बाई सिक्स इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स माइनस का वन डी एक्स, बी का वैल्यू है यहाँ पे माइनस वन बाई टू इंटीग्रल ऑफ वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स हो जाएगा, और सी का वैल्यू है वन बाई थ्री इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर वन बाई एक्स प्लस का टू डी एक्स हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेट कर देते हैं, वन बाई सिक्स लॉग एक्स माइनस का वन माइनस वन बाई टू लॉग एक्स प्लस का वन प्लस का वन बाई थ्री लॉग एक्स प्लस का टू और प्लस सी, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब देखिए इसमें काम करते हैं, वन बाई सिक्स लॉग मोड एक्स माइनस वन, अच्छा माइनस यहाँ पे काम करते हैं तीन से डिवाइड करते हैं और थ्री से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले से ऑलरेडी टू था और थ्री से डिवाइड हो गया और थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पावर में चढ़ जाएगा, बात को समझे ना जी, इसको पावर में कर देते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह यहाँ देखिए टू से डिवाइड और टू से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पावर में चढ़ जाएगा, यहाँ पे एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, तो सब जगह वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई सिक्स, तो वन बाई सिक्स कॉमन हो जाएगा, जो मल्टी प्लस में है वो मल्टीप्लाई में चल जाएंगे, यानी कि एक्स माइनस का वन और इंटू में एक्स प्लस टू का स्क्वायर हो जाएगा, और बाई में ये माइनस में था तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स प्लस वन का क्यूब और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर, इंटीग्रल निकालना है हमें एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का फोर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन विथ रेस्पेक्ट टू, तो अब इसे क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर बाई में एक्स का स्क्वायर प्लस फोर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन इक्वल टू में ए एक्स प्लस बी बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, क्वाड्रेटिक है इसलिए यहाँ पे सी एक्स प्लस का डी हो जाएगा, नीचे क्वाड्रेटिक है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन, चलिए एक्स स्क्वायर बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का फोर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का फोर इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन, इसमें से डिवाइड करेंगे ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई, ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आ जाएगा ए एक्स प्लस का बी और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का नाइन, प्लस इसमें से डिवाइड टर्म कटेगा ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा सी एक्स प्लस का डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का फोर, ठीक है। ये देखो ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कट गया, अब इसके बाद देखिए हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं ठीक रहेगा, आ जाएगा ए एक्स क्यूब,
ठीक है, ए एक्स क्यूब प्लस का 9 ax प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का 9 b, इधर देखिए प्लस का सी एक्स क्यूब प्लस का 4 cx प्लस का डी एक्स स्क्वायर और प्लस का 4 d। अब इसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्यूब वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर वाले को एक साथ ले लेते हैं तो बी प्लस का डी इंटू में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर एक्स वाले को एक साथ ले लेते हैं, ये वाला और ये वाला है, यहाँ पर आ जाएगा 9 a प्लस का 4 c इंटू में एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा इसको इसको ले लेते हैं 9 b और प्लस का 4 d, 9 b प्लस का 4 d है ना जी, एक साथ ले कॉन्स्टेंट वाले को लिखते हैं बाई इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स एंड कॉन्स्टेंट। चलिए देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए प्लस सी इक्वल टू 0, एक्स का कोफिशियंट इधर 0 है, बी प्लस डी बराबर में आ जाएगा 1, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट, 9 a प्लस का 4 c इक्वल टू में 0 और 9 b प्लस का 4 d इक्वल टू में हाँ 0। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, इसको देखिए इसको देखिए, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन थर्ड इक्वेशन फोर्थ, यह देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड a प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है ना जी, यहाँ 4 a प्लस 9 a और प्लस का 4 c इक्वल टू में 0 दिया, इसका मतलब a भी 0 आ जाएगा, निकाल के देख लेना, और आपका c भी 0 हो जाएगा, a और c दोनों 0 0 आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए इसको और इसको, जिसमें एक काम करो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो 4 से, यहाँ आपका 1 से, तो हो जाएगा यहाँ पर, चलो फोर्थ को लिख देते हैं, 9 b प्लस का 4 d इक्वल टू में 0, ये 4 b प्लस का 4 d इक्वल टू में 4, साइन चेंज ये कट जाएगा, या 5 b इक्वल टू माइनस का 4, यानी कि b इक्वल टू में माइनस का 4/5, माइनस का 4/5, अच्छा और माइनस का 4/5 आ गया ना, तो इसी इसी में रख देते हैं, माइनस 4/5 प्लस का d इक्वल टू में 1, ये जाके उधर ऐड हो जाएगा, तो d इक्वल टू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 9/5। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट कर देना होगा, ठीक है, तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस का 9 dx, तो इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रल ऑफ ax प्लस का b बाई में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और फिर इंटीग्रल ऑफ यहाँ पर हो जाएगा आपका सी एक्स प्लस का डी और बाई में इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 9 dx। ए बी सी डी का वैल्यू रख देते हैं, ए का वैल्यू है 0 इंटू में एक्स और प्लस बी का वैल्यू कितना है माइनस का 4/5 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ सी का वैल्यू 0 इंटू में एक्स और प्लस का डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है 9/5 और बाई में एक्स स्क्वायर प्लस का 9 dx। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ हो जाएगा -4/5 माइनस का 4/5 इंटीग्रल ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, अब देखिए 9/5 इंटीग्रल ऑफ 1 में एक्स स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर dx -4/5, ये तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/a टेन इनवर्स x/a का, ठीक है ना जी, 1/2 टेन इनवर्स x/2 प्लस का 9/5 आ जाएगा 1/3 टेन इनवर्स x/3 और प्लस से, देखिए इसमें जो कटने वाला है काट देते हैं, ये कट जाएगा 2 बार में, ठीक है माइनस है, और ये कट जाएगा 3 बार में, तो -2/5 टेन इनवर्स x/2 प्लस का 3/5 टेन इनवर्स x/3 और प्लस का सी, ये आपका आंसर हो गया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19 नंबर, हमें इस यहाँ इंटीग्रल निकालना है 5x² - 1 बाई में x इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 dx, फिर हम लोग लेते हैं लेट 5x² - 1 बाई में x इंटू में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इक्वल टू में a बाई x प्लस
प्लस का बी बाई एक्स माइनस वन प्लस का सी बाई एक्स प्लस वन। 5x² - 1 बाई में x इंटू में x माइनस का 1 इंटू में x प्लस का 1 इक्वल टू में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में x प्लस का 1, तो डायरेक्ट x से ये कट जाएगा, दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू में x माइनस 1 और इंटू में x प्लस का 1 प्लस, इसमें से डिवाइड करेंगे टर्म कट जाएगा, x और x प्लस 1 जाकर मल्टीप्लाई करेगा, b इंटू में x इंटू में x प्लस का 1 और प्लस का c इंटू में, ये इसे डिवाइड करेंगे टर्म कटेगा, ये दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा, x इंटू में x माइनस का 1, ये दोनों यहाँ से काट देते हैं। अब इसके बाद देखिए हीट एंड ट्रायल मेथड ही यूज करते हैं, आसानी से बन जाएगा। पुट करते हैं अगर यहाँ पर x इक्वल टू में 0, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, यहाँ देखिए माइनस 1 प्लस 1 तो माइनस ए हो जाएगा, और 0 पुट करते हैं ये 0 माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि a इक्वल टू में यहाँ से 1 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू में अगर मान लीजिए 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं ये टर्म 0, 1 पुट करते हैं ये टर्म 0, ये टर्म 0 तो यहाँ सब 0, 1 पुट करने से यहाँ पे 2b हो जाएगा, और 1 पुट करने पे यहाँ पे 5 में से 1 गया 4, यहाँ b का वैल्यू 2 आ जाएगा। पुट x इक्वल टू में मान लीजिए माइनस का 1 पुट करते, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, सब 0 हो गए दोनों, माइनस 1 पुट करते ये माइनस 1, यहाँ माइनस का 2, तो प्लस का 2 हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो ठीक है, तो 2c इक्वल टू में यहाँ पर माइनस 1 रखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ से सी का भी वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग इसको ना इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रल ऑफ 5x² - 1 बाई में आपका x इंटू में x माइनस 1 इंटू में आपका x प्लस का 1 dx इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ a बाई में x माइनस 1 प्लस में इंटीग्रल ऑफ b बाई में x माइनस का 1 और प्लस में इंटीग्रल ऑफ सी बाई में एक्स प्लस का 1 dx। ए बी सी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखते हैं, ए का वैल्यू 1 है, 1 बाई एक्स प्लस 1, 1 बाई एक्स प्लस का, बी का वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर लिख देते हैं, 1 बाई में एक्स माइनस 1 dx। सी का वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी बाहर लिख देते हैं, 1 बाई में एक्स प्लस का 1 dx। चलिए तो ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग एक्स, 2 लॉग एक्स माइनस का 1, 2 log x प्लस का 1 प्लस सी इंटू में 2, तो वो ऊपर पावर में चला जा सकता है ना, log x प्लस का log x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस में log x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस सी, सभी प्लस में है तो इंटू में चले जाएंगे, log क्या हो जाएगा x इंटू में x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू में x प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस सी। चलिए अब इसके बाद देखिए ये दोनों का पावर होल पावर कर देंगे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स इंटू में आ जाएगा x² - 1 का स्क्वायर, अब पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस सी, तो आ जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ x इंटू में x² - 1 का स्क्वायर और प्लस में सी, यही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना जी। चलिए ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 में हमें इंटीग्रल निकालना है, x² + 6x - 8 बाई में दिया x³ - 4x का, ठीक है एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर इंटीग्रल ऑफ x² + 6x - 8 है ना, बाई में से x कॉमन करेंगे तो x² - 2 का स्क्वायर या 4 भी लिख सकते हो, तो एक बार माइनस प्लस में कर दो इसको, इंटीग्रल ऑफ x² + 6x - 8 बाई में x इंटू में x माइनस का 2 और इंटू में x प्लस का 2 dx। अब इसके बाद देखिए हम लोग रहते हैं नेट, x² + 6x - 8 बाई में आपका x इंटू में x माइनस का 2 इंटू में x प्लस का 2 इक्वल टू में a बाई में आ जाएगा आपका x प्लस का b बाई में आ जाएगा यहाँ पर x माइनस 2 और प्लस का c बाई में आ जाएगा यहाँ पे x प्लस का 2, ठीक है इस तरह से। अब इसके बाद इधर एलसीएम लेते हैं, x² + 6x - 8 बाई में x इंटू में x माइनस का 2 इंटू में x प्लस का 2 इक्वल टू में, इधर एलसीएम ले लेते हैं ठीक है, हो जाएगा x इंटू में x माइनस का 2 इंटू में x प्लस का 2, इसमें x से डिवाइड करेंगे दोनों टर्म जाकर मल्टीप्लाई करेगा, a इंटू में x माइनस का 2 इंटू में x प्लस का 2 प्लस का b, यहाँ तक इससे डिवाइड करेंगे टर्म कटेगा दोनों जाकर मल्टीप्लाई करेगा, बी एक्स इंटू में x प्लस का 2 प्लस का, इसमें ये कट जाएगा ये जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो सी इंटू में एक्स इंटू में एक्स सी इंटू में एक्स माइनस का 2
ये दोनों टर्म यहाँ पे कट जाएगा। अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड ट्रायल ही मेथड यूज करते हैं, पुट करते हैं, अगर मान लीजिए एक्स की जगह जीरो, तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। यहाँ जीरो रखने से क्या होगा देखो, तो -2 आप +2, 4 आ जाएगा माइनस का, माइनस का 4a और इक्वल टू में इधर हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, जगह डिवाइड में a का वैल्यू आ जाएगा 2। पुट करते हैं अगर x की जगह पर यहाँ पर 2, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, 2 पुट करने से देखो 2 और 2 4, 4 2 जा 8, यहाँ पर हो जाएगा 8b इक्वल टू में, अब देखिए 2 रखेंगे तो 4, यहाँ पर 12, ठीक है ना जी, 12, 12 में से 8 गया आपका 4 आ जाएगा, 12 में से 8 गया 4 आ जाएगा, और 4 और यहाँ पर 4 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से b इक्वल टू में आ जाएगा 1, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम लोग पुट कर दें x इक्वल टू में माइनस का 2, तो ये टर्म 0, ये टर्म 0, माइनस 2 रखने से यहाँ पे -4 और प्लस का 8c इक्वल टू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा इधर 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 4 प्लस का माइनस का 12 और माइनस का 8, आ जाएगा माइनस का 16 ना हो जाएगा जो, तो सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, सी का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2, ठीक है। चलिए अब इसी को तो इंटीग्रेट करना है ना जी, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 8 बाई में एक्स इंटू में एक्स माइनस का 2 इंटू में एक्स प्लस का 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू में इंटीग्रल ऑफ ए बाई में एक्स, इंटीग्रल ऑफ बी बाई में एक्स माइनस का 2 और इंटीग्रल ऑफ सी बाई में एक्स प्लस का 2 डी एक्स। ए बी सी का वैल्यू अब यहाँ पे रखते हैं, ए का वैल्यू 2 है, 2 इंटू में इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो 1 बाहर लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 1 बाई एक्स माइनस का 2, और सी का वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है, इंटीग्रल ऑफ 1 बाई में एक्स प्लस का 2 डी एक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 लॉग एक्स हो जाएगा प्लस का लॉग एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 लॉग एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और प्लस में से ये पावर में चला जाएगा, तो हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का लॉग ऑफ एक्स माइनस का 2 और माइनस का लॉग ऑफ एक्स प्लस का 2 का स्क्वायर और प्लस में सी, ठीक है ना जी। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में, तो ये काम कर सकते हैं यहाँ पर लॉग एक्स का स्क्वायर इंटू में एक्स माइनस 2 और बाई में एक्स प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना जी, ठीक है। काम करते हैं आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब कर लेना होगा, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रवि का आंसर, भारती भवन रवि का आंसर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, रविकांत सर आर डी शर्मा सोल्यूशन, आर डी शर्मा सोल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे इससे रिलेटेड वीडियो के लिए, सीधे डिस्क्रिप्शन में इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक जाकर पाथफाइंडर क्लास सब्रा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।